अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइमास कॉर्नर। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तुझे आज की सहरी देखें आप भी कहीं आज की सहरी के, आज की सहरी है जी सैंडविचेस। ये मेरी बेटी का बहुत अच्छा आइडिया था कि आज मैं सहरी में सैंडविचेस खाऊंगी। तो ये जी क्लब से राशन बनवा के लाए हैं और ये हैं ग्रिल सैंडविचेस। और वो एक और जो रोज़ा रख रहा है वो देखें। कुमार कुशन तो साइड पर लगा दो कुमार भी रोज़ा रख रहा है और सैंडविच खा रहा है। उसने बर्गर ऑर्डर किया था, उसका बर्गर नहीं आया। तो ये देखें जी, आज सहरी हो रही है सैंडविचेस के साथ। और आज फ्राइज़ नहीं दिए इन्होंने, मुझे लगता है वो अफ्तार की वजह से ना इन्होंने अब वो भी नहीं दिए, फ्राइज़ भी नहीं दिए। तो आपने आज क्या अफ्तारी की? मेरे ख्याल आप में से किसी ने कोई सहरी सोची भी नहीं होनी। को मैं शो ना करो, किसी ने सोची भी नहीं होनी कि ना ये आप सैंडविचेस खाएंगे ना सहरी में। लेकिन मैं ये नहीं खाऊंगी इंजेल, मैं कुछ और खाऊँ। हाँ जी, मैं नहीं खाऊंगी ये। ओ बाहर हवा चल रही है या क्या हो रहा है? कुमार देखो बाहर क्या है। मैं खा लूँ। हाँ जी, आप खाएं और सहरी करें। लस्सी पियेंगे आप बाद में? चले जी, इसके साथ लस्सी भी पियेंगे और चाय भी जिसने पीनी पी लेगा। लेकिन जी आज हमारे को बड़ी डिफरेंट सहरी हो रही है, वो हो रही है सैंडविचेस के साथ। यहाँ पर कौन सी लगवानी है? क्या यहाँ ये वाला कलर लग गया? ये तो लग गया ना। तो पीछे क्या लगेगा? पीछे ये बंद हो जाएगा लकड़ी से। पीछे लगेगा भी तो सही ना, कुछ लकड़ी का लगेगी शीट, वो बंद हो जाएगा यहाँ। नीचे राशिद कह रही हूँ, नीचे फर्श तो बनेगा ही ना। और वो कोई भी है। हाँ तो यही ये क्या कहते हैं, जो पीछे नहीं आपने ग्रे लगाई साइड गैलरी पे, तो आपने गैलरी पे ग्रे नहीं लगाई, वो लगा लेना। नहीं, इसी के साथ ही लगाएंगे। अच्छा अच्छा, चले ठीक है। ये हम ऊपर आए हैं, ऊपर क्या करने आए हैं? ऊपर 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 दरवाज़ा देखने आए हैं। ये तो वैसे ही है जैसे वो है। ये हमने पसंद ही ये किया था। कितनी अच्छी हवा चल रही है ना। ये देखिए हम ऊपर आए हैं और ये पेंट हो रहा है, और पेंट होने के अलावा पीछे से कितना प्यारा ग्रीनरी है। पिछला दिन इतना खूबसूरत है, चाहे बारिश हो, धूप हो या जो भी हो, बहुत ही खूबसूरत है भाई। कितना प्यारा लग रहा है ना, ये देखें, अल्लाह की शान है। ये क्या चीज़ है? ये गंदम है ये वाले? ये गिर क्यों, बारिश की वजह से गिरी है? ओहो, ये बारिशें होती रही है ना पिछले दिनों, तो ये देखिए सारी गंदम गिर गई है। अल्लाह की रहमत होती है, लेकिन इंसान के हिकमतें उसे बिल्कुल ऊपर चली जाती है चीज़। ये देखे ना, ये बेचारी गंदम, कितना नुकसान हो जाता है लोगों का ऐसे ही। अभी पक्की नहीं है, ये देखिए हरी हरी है। तो ये राशि साथ क्या लगा हुआ है इसके? ये जो हरा हरा सा है क्या है? चारा। अच्छा, ये भैंसों का चारा है ये सारा। और देखिए पीछे खूबसूरती कितनी है। और मैं जो भट्टा कह रही थी ना लैलक व्लॉग में, मैं आपसे कह रही थी, तो ये देखिए ये भट्टा है। ये पीछे सोसाइटी में भट्टा भी है। वो हमारा घर इधर कहीं, हमारा घर भी है। तो ये देखेंगे, ऐसे लग रहा है पीछे गाँव है। और अक्सर खूबसूरती ही, ये देखिए घर लग रहा है ना जैसे गाँव के, अक्सर खूबसूरती यही है। जब हमने प्लॉट लिया था ना, बस ये देख के हमारा दिल रह गया था कि हम ऊपर आएंगे, बैठेंगे, चाय चाय पियेंगे और इन्जॉय करेंगे इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो, और नसीब में चीज़ें हुई तो। तो ये जी देखें, ऊपर से मैं आपको दिखाती हूँ, ये लॉन की ना, इन्होंने पीछे लॉन की एक दीवार बनाई है, ब्रिक्स से जैसे ना बने हुए हैं। ये देखें जी, मैं घर आई हूँ, घर में पेंट होने शुरू हो गए हैं, ये देखें ज़रा। और ये जो मुझे मज़ेदार लगा, ये पीछे जो ब्रिक्स लगी हुई है ना पिछले लॉन में, मैं राशि से कह रही हूँ कि ये रहने दें, तो ये अच्छी लग रही हैं। तो ये अब जी घर में काम हो रहा है, अचानक मैं आई हूँ, तो ये जी ये देखें ब्रिक्स अच्छी लग रही है ना, ये वाली। इस पर जब आगे पौधे अच्छे ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी, प्यारे लगेंगे। और क्या हो रहा है? और बस पेंट ही अभी हो रहे हैं। और ये किचन का हो रहा है, और ये किचन में यहाँ कैबिनेट्स ये नए एक्स्ट्रा बन गए हैं।
और ये देख, बस अब काम तेज़ी वाला ही काम है। और क्या हुआ है, और बस अभी तो कमरे में यही कुछ हुआ है। आ रही हूँ राशिद। ये जी आई है पोर्च की टाइल्स और ये लग गया ये। ये साइड गैलरी की टाइल्स लगी हैं, ये देखे। चलिए मैं अब वापस जा रही हूँ जी। मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड है और उनका ताल्लुक भी फैसलाबाद से है, जो बिलोंग करती थी पहले। वो उम्रे के लिए गई हुई थी, समरा उनका नाम है, दारुलमान झंकी हेड है वो। तो उम्रे के लिए गई हुई थी तो वो मेरे लिए ये तबरकात लाई हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अब तारीख से पहले मेरे पास थोड़ा टाइम था, अभी कुछ देर पहले ही उनका ड्राइवर दे गया था, मुझे उसकी कॉल आई और मैसेज आया कि साइमा मैं आपके लिए कुछ तबरकात लाई हूँ। तो ये देखें तबरकात में क्या है जी, केक है। केक आप ऐसे ही देख लें क्योंकि अब मैं खोलूँगी नहीं, तो वैसे खोल के तो बाद में खैर खाया जाएगा। आई एम सॉरी बाहर से आवाज़ आ रही है। तो उसके अलावा क्या लाई है मेरे लिए, वो लाई हैं खजूरें लाई हैं। समरा ने हमें वहाँ से वीडियो भी की और वीडियो मैसेजेस भी उसने किया, उसने हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुआएँ की हैं वहाँ पर खाना कबा के आगे बैठ के उसने दुआएँ की हैं, आगे बैठ के उसने हमारे लिए दुआएं की हैं। तो उससे बड़ी और क्या चीज़ हो सकती थी। मैंने उसे कहा हम इतने खुशकिस्मत आए कि तुम खाना काबा के आगे बैठ के हमें वीडियो बना के भेज रही अपनी। और ये जी नौरसीना का है फेस एंड बॉडी वाइटनिंग स्क्रब एवोकाडो ऑयल। तो तुम ये ना भी यकीन मानो वो समरा भेजती, तुम्हारी मोहब्बत ही काफ़ी थी। और हम तो खुशकिस्मत हैं जिनका नाम रमज़ान में, और बहुत सी मेरी बाई चांस मुझे पता चला मेरी फ्रेंड जिम फेलोज़ गई हुई हैं, वो हमारा नाम ले लेके वहाँ दुआएं कर रही हैं। तो इससे बड़ी हमारे लिए और क्या सादत की बात है। तो ये जी खजूरें हैं, ये खजूरें देख के मुझे अपने अब्बू याद आ गए। उसकी रिजगी थी, मेरे अब्बू ऐसे खजूरें लाते थे, ऐसे पैकेट बने हुए थे। समरा तुम लाई तो हो साथ, मुझे अपने मेरे अब्बू की भी याद तुमने याद दिला दी। ऐसे अब्बू लाते थे, ऐसे पैकेट बने हुए होते थे। और ये खजूरें हैं साथ में, ये देखें ये भी बहुत अच्छी। आपके सोफ़े से तो मेरे प्यारे वाले साहब की मुझे याद आ गई है। बहुत शुक्रिया समरा इन सब तकल्लुफात का और इन जो हमें तबरकात भेजे हैं। और ये देखें इसमें टॉफियां हैं और तस्बीह है इसमें। बहुत शुक्रिया आपका समरा, आपने हमने वैसे ही इतना याद किया। तो कुमाल हसरा कहता है मामा आपकी जो फ्रेंड्स जाती हैं वो आपके लिए कुछ लेके आती हैं। तो मैंने कहा जाहिर बात है जो जाता है इतनी प्यारी जगह पे। मैं जी तो ये भी खजूरें हैं जी, ये भी बहुत मज़ेदार आला खजूरें हैं। और मदीना पाक की खजूरें मेरे पास घर में इत्तेफाक से ख़त्म हुई हुई थी, तो ये माशाल्लाह जी मदीना पाक की खजूरें आ गई हैं मेरे पास। पानी आ गया है, ये केक भेजा है समरा ने, और ये सा स्क्रब है आपका। आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया समरा, अल्लाह आपको जजा दे दुनिया आखिरत में। आपने हमारा खाना काबा के आगे नाम ही लिया था तो ये बड़ी सआदत थी हमारे लिए। देख लें, पहले मैं सोचा मैं नहीं खोलती, फिर मैंने सोचा नहीं, इतना प्यारा खूबसूरत केक है ये देखें। तो मैं आपके साथ इसकी वीडियो भी शेयर करती हूँ। थैंक यू सो मच समरा, अब इंशाल्लाह इफ्तारी के बाद हम चाय के साथ लेंगे। आपका बहुत शुक्रिया आपका। अरे जी अस्सलाम वालेकुम, आज मेरे किचन में बन रहे हैं सहरी के लिए मसाला वाले कोफ्ते। तो मसाला वाले कोफ्ते इसलिए कि मैं इसको, ये तो प्याज है, मैं आज इसको ग्राइंड नहीं करूँगी, बस ऐसे ही मसाला भून के इसमें मैं वो डालूँगी कोफ्ते। क्योंकि सहरी में दो तीन लोगों ने खाना होता है और मेरी बेटी की फरमाइश है, और थोड़ा सा मैं इसकी गाढ़ी ग्रेवी ही रखूँगी। तो इसमें देखे प्याज हल्के से गोल्डन हो चुके हैं, तो बाकी अब मैं इसमें लहसुन अदरक और टमाटर डालती हूँ। प्याज हल्का सा गोल्डन हो गया तो मैंने इसमें एक टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक डाल दिया है, और हल्का सा इसको जो लहसुन है इसका भी कच्चापन निकल जाएगा, और थोड़ा सा जैसे अपनी स्मेल रिमूव इसकी हो जाएगी तो मैं इसमें टमाटर डालूंगी, और टमाटर मैं इसमें छिलके उतार के डालूंगी। अभी लहसुन अदरक जैसे गोल्डन हुआ मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिए हैं, और अब टमाटर डाल के मैं थोड़ी इसको भूनूंगी, और पानी डालकर मैं इसको दम पे रख दूंगी ताकि टमाटर और प्याज अच्छे तरीके से गल जाए। और साथ ही साथ मैं इसमें डालूंगी सॉल्ट साथ ही इसमें जाएगा सॉल्ट, कोफ्तों में सॉल्ट होता है लिहाजा मैं ध्यान से डालूंगी। आप कम हो तो बाद में डाल लीजिएगा। लाल मिर्ची पीसी भी डाल दूंगी इसमें, और क्या डालूंगी, और इसमें जाएगा जी हल्दी, और हल्दी के अलावा इसमें क्या जाएगा, इसमें जाएगा जनाब सूखा धनिया पिसा हुआ, बस ये मसाले हैं। और साथ इसमें जीरा डाल दूंगी, और हल्का सा पानी का छींटा लगाऊंगी ताकि ये मसाले और ये नीचे ना लगे।
क्योंकि इसमें कोई खास है। साथ में मैं इसमें डालूंगी जीरा, मैं इसमें एक टीस्पून भर के डालूंगी, जीरा मेरा फेवरेट। तो बस ये अब इसको थोड़ा सा मसाला मैं इसका भूनूंगी और उसके बाद पानी लगाऊंगी ताकि ये जितना भी है ये गल जाइए, जितना मुझे रिक्वायर्ड मसाला चाहिए मैं उतना ही इसको बना लूँगी। इसमें साथ ही पानी डाल दूँगी थोड़ा सा और इसको मैं गलने के लिए रख दूँगी। तो ये जी ढक्कन दे के, ताकि जो हंडिया में चीज़ गलती है ना वो लाजवाब है। वो जैसे चीज़ मैंने कहीं बहुत एक्सपीरियंस किया है, कहीं भी चीज़ वो नहीं गलती। जो गोश्त हंडिया में गला हुआ हो ना मिट्टी की हंडी में, वो भी लाजवाब होता है, इसका कोई मुकाबला है ही नहीं। बच्चे मैंने 5-7 मिनट इसको दम पे रख दिया था और ये देखे मसाला इसका तैयार हो गया है। तो बस थोड़ा सा मैं और भूनूंगी और फिर इसमें मैं कोफ्ते ऐड कर दूंगी। ये देखें थोड़ा सा इसके जैसे इसका पानी ज़रा ड्राई हो जाए, ये देखें उसके बाद मैं इसमें कोफ्ते ऐसे रखूंगी एक दो दफ़ा घुमा के, फिर बाकी क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। जी मसाले की बुनाई होगी और इसमें अब मैं डाल दूंगी कोफ्ते। और मैंने ये मसाला पहले आपको बता दी कि ये कोफ्ता मसाला है, ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाऊंगी जैसे शोरबा होता है या ग्रेवी होती है, बस हल्का से इसमें मसाला होगा। तो अब इसको मैं थोड़ा सा घुमा फिरा के फिर इसको बस हल्का से, जो कोफ्ते भी तकरीबन आप गले ही होते हैं जो फ्रोज़न होते हैं, क्योंकि फ्रोज़न कोफ्ता है ये, मैं घर का कोफ्ता नहीं है। मुझे टाइम ही रमज़ान में ज़रा भी नहीं मिला कि मैं बना के रख सकूँ, तो रमज़ान की रूटीन भी पहले से कुछ ऐसी ही थी, तो बस कभी कभी ऐसा हो जाता है। बेटी ने कहा मामा मैंने कोफ्ते खाने, मेरा बहुत दिल चाह रहा है, मैं कहा चलो मैं मेन्यू की कोफ्ते ले आती हूँ। तो बस ये थोड़ा सा मैं इसको मिक्स कर लूँगी, उसके बाद मैं इस पर डालूँगी थोड़ा सा दही, फिर दही डाल के मैं इसको थोड़ी देर के लिए दम दे दूँगी ताकि दही का पानी भी खुश्क हो जाए। फिर मैं थोड़ा सा इसमें पानी लगाऊँगी जितना मुझे चाहिए होगा। ये देखिए मैंने तकरीबन आधी प्याली इसमें दही डाल दिया दही, और अब इसको मैं हल्की सी आंच पे रख दूँगी, इसी में कोफ्ते भी गल जाएंगे थोड़ी सी जो रह गए जाएंगे, और दूसरा दही भी पक जाएगा, दही का पानी भी खुश्क हो जाएगा। तो अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए इसको दोबारा ढांप के रख दूँगी। बस जी मैंने 5-7 मिनट इसको दम पे रखा है, क्योंकि हड्डियाँ है ना, हड्डियाँ बहुत जल्दी गर्म भी हो जाती हैं और इसके अलावा इसमें चीज़ भी बहुत जल्दी गल जाती है। तो ये देखें अब मसाला इसका चेक करें कितना अच्छा हो गया। मैं थोड़ा सा और मैं थोड़ी सी हरी मिर्चें 3-4 मैं ऐसे दरमियान में कट लगा के वो डाल दूँगी, और थोड़ा सा मैंने इसको कोफ्ता गल गया मैंने काट के देखा है छुरी के साथ। तो बस ये अब थोड़ी सी इसकी बुनाई और होती है, तो मैं पानी लगाऊँगी और जी बस कोफ्ता मसाला रेडी। आसान, बहुत आसान रेसिपी है और बहुत ही झटपट बनती है, और रमज़ान में तो ऐसी रेसिपीज़ आप फॉलो करें जो कम से कम बहुत जल्दी बनती हो। लंबे काम रमज़ान में मुझे तो बहुत वो होता है कि रमज़ान में पहले आपके जिस्म में थकावट होती है, जहन थका हुआ होता है, तो आप बस वो रूटीन फॉलो करें जो आपके लिए आसानी पैदा करें, खुद भी आसानी आप अपने लिए पैदा करें, दूसरे के लिए पैदा करें, तो आपकी ज़िंदगी एटलीस्ट आसान हो जाएगी। हाँ जी कोफ्तों की बनाई होगी, और इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी, बस थोड़ा सा, आधा कप मैं डालूंगी, क्योंकि हंडियाँ बड़ी देर तक गर्म रहती है और ये होता है कि फ़ौरन ही जो मसाला है ना ड्राई हो जाता है, ये मेरा बड़ा एक्सपीरियंस रहा है। ये देखें अब मैं थोड़ी सी आँच ज़्यादा करूँगी, क्योंकि मैंने बहुत ही माइनर इसकी कर दी थी आँच, उसकी रीज़न ये थी कहीं नीचे ना लग जाए ये, क्योंकि पैंदा है ना इसका, ये भी लग जाती कि कोफ्ता लग भी गया है। चलें बारह थोड़ा सा इसमें पानी में और ऐड करूँगी, और इसके बाद जी इसमें मैं डालूँगी गरम मसाला पिसा हुआ और धनिया, और इसको दम पे रख दूँगी। हाँ देखिए इसे बबल आने शुरू हो गए, अब इसमें मैं डालूँगी पिसा हुआ गरम मसाला थोड़ा सा, इसको अगर पकती हुई ग्रेवी में डाल देने शोरबे में या मसाले में तो इसका जायका बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा अगर आप डालना चाहें तो बाद में खुशबू के लिए आप डाल दें, अदरवाइज़ वैसे ये भी कम्प्लीट हो जाता है इसमें अगर डाल दें तो। और अब इसमें मैं डाल दूँगी धनिया, धनिया मैंने भिगो के रख दिया पानी में ताकि ये सारी डस्ट इसमें से निकल जाए। तो ये देखिए धनिया भी सारा चला गया इसमें। तो उम्मीद करती हूँ जी आज की आपको रेसिपी हल्की फुल्की सी अच्छी लगी, झटपट रमज़ान की रेसिपी आपके लिए रेडी है और आप इसको बनाइएगा, और बहुत सादा सामान है ये देखें। अगर आप चाहें तो इसमें उबले अंडे डाल सकते हैं, अगर नहीं तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं नहीं डालूँगी, मैं सादे कोफ्ते ही रखूँगी, और क्योंकि बच्चे मेरे बॉयल है शौक से सालन में नहीं खाते, बस राशिद ही खाते हैं, तो बस इसमें 2-3 बॉयल आएंगे तो इंशाल्लाह ये रेडी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको रमज़ान की झटपट कोफ्ता रेसिपी अच्छी लगी होगी। जी मिलते हैं आपसे किसी और रेसिपी में, तब तक अल्लाह हाफिज़।